Good morning, students. Students, today we are going to start with our fourth chapter of English 2, and that is verbs and kinds of verbs. ठीक है? So, what are verbs, students? Students, if you want, you can open your textbook. This is your textbook, page number 15. Okay? What are verbs, students? आपने nouns पढ़ा, sentences पढ़ा, different kinds of nouns वो भी पढ़ा. अभी हम पढ़ते हैं verb. ठीक है? Words which tell us that people or things are doing are called verbs. Verbs किसको बोलते हैं, बच्चों? जो हमें बताते हैं कि people or things क्या कर रहे हैं, what are they doing? जो हमें बताते हैं the work done by the people or thing. ठीक है? उसके actions, action done by the people or thing, उसको बोलते हैं verbs. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जैसे आप ये pictures में देख सकते हो, रमन रन्स. यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम है रमन. क्या कर रहा है वो? ही इज रनिंग. तो रन्स, ही इज रनिंग. तो रन्स क्या हुआ? उसका एक्शन हुआ. वो हमें बता रहा है कि रमन क्या कर रहा है. ठीक है? तो रन्स क्या हुआ हमारा? वर्ब. रन्स इज अवर वर्ब. फिर क्या है यहाँ पे? फिश स्विम इन वाटर. यहाँ पे फिश दिख रहा है आपको. फिश क्या कर रही है? फिश स्विमिंग कर रही है. इट इज स्विमिंग इन वाटर. तो स्विम मतलब एक्शन हुआ. वो हमें बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज इट डूइंग? इट इज स्विमिंग. तो स्विमिंग इज अवर वर्ब. द गर्ल्स डांस. गर्ल्स क्या कर रही है यहाँ पे? डांस कर रही है. तो डांस हमारा वर्ब हुआ. फायर बर्न्स. बर्न्स इज अवर वर्ब. सी, इन सेंटेंस वन द वर्ड रन्स सेज समथिंग अबाउट रमन. इन सेंटेंस टू The word swim says something about fish. Swim जो है वो क्या, हमें fish के बारे में कुछ बता रहा है ना. फिर यहाँ पे जो word dance है वो हमें girls के बारे में कुछ बता रहा है, जैसे girls are dancing. फिर यहाँ पे burns है, तो that is saying something about fire, कि fire burns. So, words which tell us what people or things are doing are called verbs. तो ये सारे हमारे verbs हैं. समझ में आया बेटा? अब ये क्या है? लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है? पहले हम ये साइड नहीं देखेंगे, विल जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ी काउज दिखाई दे रही है. काउज क्या कर रही है? द काउज ईट ग्रास. क्या खा रही है काउज? ग्रास खा रही है. ठीक है? तो वो हमें एक्शन दिखा रही है, तो वो हमारा वर्ब हुआ. ठीक है? देन टॉम शट द डोर. देन The tailor made shuts and Ashok struck Bali. Ashok struck Bali मतलब there are two boys over here. एक का नाम है अशोक, एक का नाम है बाली. अशोक ने बाली को मारा, मतलब अशोक struck Bali. The sentences on the left are not complete. ठीक है? यहाँ पे हमें sentences complete करने हैं. यहाँ पे first sentence में क्या दिया है बच्चों? The cows eat grass. वो घास खा रही है. ठीक है? बट एक्शन, कौन सा वर्ड यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है? द काउज ईट्स ग्रास. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हमें एक्शन दिखा रहा है? ईट्स, खाना खाना. ईट्स वो एक एक्शन दिखा रहा है. तो ईट्स इज अवर वर्ब. टॉम शट द डोर. तो शट मतलब उसने दरवाज़ा बंद किया. शट, तो शट हमें एक्शन दिखा रहा है. तो शट इज अवर वर्ब. द टेलर मेड शट्स. ठीक है? तो मेड इज अवर वर्ब. अशोक स्ट्रक बाली. स्ट्रक, तो स्ट्रक इज अवर वर्ब, बिकॉज वो हमें एक्शन दिखा रहा है. ठीक है? द सेंटेंस इज ऑन द राइट टेल अस व्हाट द काउज ईट, व्हाट टॉम शट्स, व्हाट द टेलर इज मेड एंड हुम अशोक स्ट्रक. इन अदर वर्ड्स, वर्ड्स आर एडेड टू द वर्ब्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग. जैसे हम वर्ड्स मतलब शब्दों को वर्ब से ऐड करते हैं, सो दैट सेंटेंस का पूरा कंप्लीट मीनिंग बन सके. क्योंकि देखो यहाँ पे द काउज ईट, बस तो आपको कुछ पता चला द काउज ईट, पर क्या खा रही है आपको पता चलना चाहिए ना, दैट व्हाट आर द काउज ईटिंग. ठीक है? दैन वी आर राइटिंग ग्रास. हम वर्ब के बाजू में यहाँ पे ग्रास लिख रहे हैं. क्यों? सो दैट द सेंटेंस मेक्स अ परफेक्ट मीनिंग. सो वैन द वर्ड ग्रास इज एडेड टू द वर्ब ईट, इट मेक्स अ कम्प्लीट सेंटेंस. और वैन द वर्ड डोर
adds to the verb shut, it makes a complete meaning. जैसे यहाँ पे लिखा है टॉम शट, तो आपको कुछ पता चल रहा है टॉम शट, पर क्या शट किया? शट द डोर. हमें पूरा मीनिंग वाला सेंटेंस बनाने के लिए उसके बाजू में उसका वर्ड तो लिखना पड़ेगा ना. तो हम क्या लिख रहे हैं? टॉम शट द डोर. तो शट हमारा वर्ब हुआ. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ व्हाट आर वी डूइंग? अब ये जो वर्ड्स हम वर्ब को ऐड कर रहे हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने बोला द काउज ईट, तो हमने क्या ऐड किया? ग्रास ऐड किया. तो द सेंटेंस कैन बी फुल ऑफ मीनिंग, इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, द काउ ईट्स ग्रास, तो ईट्स हमारा वर्ब है, पर उसके साथ हम जो ये वर्ड ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑब्जेक्ट. जैसे वर्ड्स दैट आर एडेड टू द वर्ब्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. जो वर्ड्स हम वर्ब्स के बाजू में ऐड करते हैं उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स. क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स आर आइदर नाउंस और प्रोनाउंस. ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आइदर नाउंस हो सकते हैं या प्रोनाउंस भी हो सकते हैं. ठीक है, अभी जो एक वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. एज इन अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसे क्या होता है बच्चों, कभी कभी कोई सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, कोई वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, बट समटाइम्स वी डू नॉट नीड अ वर्ब, वी डू नॉट नीड अ वर्ड. वो ऐसे ही सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो जाता है. बट अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है उसके लिए अगर हमें कोई और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव. और जहाँ पे हमें कोई और शब्द या कोई और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब. जैसे देखो, यहाँ पे हमें वर्ब को सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए हमें बाकी वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. जैसे ग्रास है, डोर है, शर्ट्स है, बाली है, तो दीज आर द वर्ड्स विच आर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेंटेंस का पूरा मीनिंग जानने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स. ईट्स, शट, दीज ऑल आर ट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है, पर यहाँ देखिए, अब रीड दिस सेंटेंसेस. बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स फ्लाई मतलब ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है. बर्ड्स फ्लाई मतलब आपको पता चल गया कि बर्ड्स उड़ सकते हैं. देन मैरी वेप्ट मतलब मैरी रो रही थी. द सन शाइन्स मतलब सन इज शाइनिंग. ठीक है, तो इसमें हमें कोई और वर्ड की या कोई और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें वर्ब्स अपने आप ही सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वी डू नॉट नीड एनी अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है, बट वर्ब्स ऑल्सो व्हाट दे आर. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स. आई एम अ टीचर. ठीक है, एज आई एम टेलिंग आई एम अ टीचर. वी आर फार्मर्स, इट इज़ अ रोज. ठीक है, द वर्ड्स एम आर इज टेल अस व्हाट समथिंग और समवन इज, दे आर कॉल्ड बीइंग वर्ब्स. जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, आपने क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, जहाँ पे हमें कोई वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में वी डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट और वर्ड. अभी ये है बीइंग वर्ब्स. बीइंग वर्ब्स मतलब बीइंग मतलब हम क्या हैं, मैं क्या हूँ या ये क्या है. ठीक है, द वर्ड्स एम एज इन आई एम, दे आर, वी आर, इट इज़, दैट इज़, दिस इज़, ये सारे वर्ड्स हैं ना जो दैट टेल्स अस समथिंग और समवन, जो हमें अपने बारे में या किसी और के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं बीइंग वर्ब्स.
You understand? Being verbs are am, is, are, was, were, be, being and been. ये सारे being verbs हैं. आपको पता चला बच्चों, being verbs मतलब क्या? जो हमें हमारे बारे में, किसी और के बारे में या किसी कोई और चीज़ के बारे में, वी, आई, इट, दिस, जो हमें बताता है अबाउट समथिंग और समवन, दैट इज़ कॉल्ड बीइंग वर्ब्स. फॉर एग्जांपल, आई एम लेट टुडे. आई मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम, तो एम इज़ अ वर्ब, बीइंग वर्ब. शी इज़ 8 years old, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट सम गर्ल. शी इज़, तो इज़ इज़ अ वर्ब, बीइंग वर्ब. वेयर आर यू गोइंग सीता? Where are you going? You are asking someone. So, are is a verb, being verb. This way, are, is, was. ये आपको याद रखना है. बच्चों, you have to remember this, that which are the being verbs. ये आपको खुद याद रखना है. ठीक है? So, these are all being verbs. Now, exercise 1. Study the 4 pictures given below. Then, complete the blanks in the dialogue below. Okay? With be verbs or has, have. ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिया है? हेलो, आई डैश अनुराग, आई वेक अप एट 6 o'clock. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है. ठीक है, ठीक है, उसमें आई एम, तो यहाँ पे हम बीइंग वर्ब्स के लिए क्या लिखेंगे? आई एम अनुराग, मतलब द बॉय इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. तो क्या लिखोगे आप बच्चों? आई एम अनुराग. फिर ये क्या है? I dash a friend, मतलब a friend, मतलब I have a friend. Her name is Anuja. You are talking about someone. यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है बच्चों? ये सारे number 1, number 2, number 3, exercise 1. आपको यूज़ करना है has, have और being verbs. Being verb कौन से है? Is, are, am, was. ये सारे being verbs है. जैसे Anuja has a brother. His name is Avinash. They have a pet dog. ठीक है? In this way you have to add has, have or being verbs. So you have to do this exercise. Okay students, now what did you learn? Transitive verb, intransitive verb and being verbs. Okay, अभी हम पढ़ेंगे saying verbs. Saying verbs क्या है बच्चों? Verbs also tell us what people are saying, what people are thinking, what people are feeling. Such verbs are called saying verbs. अभी बच्चों, ऐसे भी verbs हैं जो हमें बताते हैं कि लोग क्या सोचते हैं. हमने being verbs पढ़े. Being verbs मतलब हमारा खुद का, she, he और किसी चीज़ का. अब ये है saying verbs, मतलब ये हमें बताते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या feel करते हैं. Okay, they are called saying verbs. For example, I promise you I will help you. I think this is a good idea. I love strawberry ice cream. ठीक है, तो promise, think, love, ये सारे कौन से verbs हैं? ये सारे saying verbs हैं बच्चों. समझ में आया? What they are thinking, what they are saying, what they are feeling. यहाँ पे ये बॉय सोच रहा है दैट दिस इज़ अ गुड आइडिया, मतलब ही इज़ थिंकिंग, तो दैट इज़ अवर सेइंग वर्ब. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अंडरलाइन द वर्ब्स, राइट इन द ब्रैकेट्स ए फॉर एक्शन वर्ब्स एंड राइट एस फॉर सेइंग वर्ब्स. वन इज डन फॉर यू. देयर मे बी मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस. तो आपको जैसे ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और जहाँ जो एक्शन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स मतलब जहाँ पे आपको दिख रहा है कि वर्ब का कोई एक्शन है, तो आप ए लिखोगे और सेइंग वर्ब्स के लिए एस लिखोगे. ठीक है, नंबर 1, द बॉय क्लीन्स हिज प्लेट एंड पुट्स इट ऑन द शेल्फ. मतलब देखो, द बॉय क्लीन्स हिज प्लेट मतलब वो लड़का अपनी प्लेट को साफ कर रहा है. अभी साफ करना इज एक्शन. ठीक है, वो एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है और फिर वो क्या करता है? ही पुट्स इट ऑन द शेल्फ, तो वो शेल्फ पे जाके रख रहा है. तो उसने वहाँ पे रखा, तो वो एक्शन हुआ. तो ये क्या हुआ हमारा? एक्शन वर्ब्स. तो हम वहाँ पे ए लिखेंगे. नेक्स्ट, आई कम फ्रॉम चेन्नई. आई कम फ्रॉम चेन्नई मतलब यहाँ पे कोई एक्शन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे समवन इज़ टॉकिंग,
कि वो चेन्नई से आया है. तो ये कोई कह रहा है. Someone is saying. तो ये क्या हुआ? This is our saying verb. Then, Stan whispered, "Come with me to the kitchen." तो ये भी कोई बोल रहा है. Someone is saying. So this is a saying verb. My sister baked a big chocolate cake. तो my sister baked मतलब उसने बेक किया. तो ये एक्शन है. तो क्या आएगा? एक्शन वर्ब. देन दिस पिक्चर लुक्स वेरी नाइस. तो ये कोई कह रहा है कि ये पिक्चर बहुत अच्छा लग रहा है. तो दिस इज द पिक्चर लुक्स वेरी नाइस. तो ये क्या हुआ? ये सेइंग वर्ब है. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. रिवॉल्व्स मतलब अर्थ सन के राउंड राउंड घूमता है. तो वो एक्शन हुआ. तो दिस इज अ एक्शन वर्ड. देन माय फादर ड्राइव्स द कार टू ऑफिस एवरी डे. तो ड्राइव्स क्या है? एक्शन है. ऐसे बच्चों आपको जो एक्शन वर्ब है वहाँ पे ए लिखना है, अंडरलाइन करना है वर्ब्स को, और जहाँ पे सेइंग वर्ब है मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है तो वहाँ पे आपको हैज़ लिखना है. अरे सॉरी, वहाँ पे आपको एस लिखना है. एस एस फॉर सेइंग वर्ब, ए फॉर एक्शन वर्ब्स. सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. नाउ बच्चों, हैज़, हैव एंड हैड आर वर्ब्स विच शो पजेशन. मतलब वो पजेशन वर्ब्स है. ये जो वर्ड्स है बच्चों, हैज़, हैव एंड हैड, वो वर्ब्स क्या है? वो हमें पजेशन दिखाते हैं. मतलब हमारे पास ये चीज़ है. वी पजेस इट, वी हैव इट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन. क्या है हमारे पास? पेन. तो आई पजेस, मतलब मेरे पास पेन है. तो मैं बोलती हूँ आई हैव अ पेन. तो हैव हमारा पजेशन वर्ब, पजेसिव वर्ब हुआ. शी हैज़ सम न्यू स्टोरी बुक्स. शी हैज़ मतलब किसी के पास है. जैसे मेरे पास है, किसी के पास है, उन लोगों के पास है, आपके पास है. ठीक है. दे हैड सम न्यू स्टैम्प्स विच आर स्टोलन. तो ये सारे पजेशन है. तो दे आर पजेसिव वर्ब्स. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़, हैव और हैड. आपको इसमें हैज़, हैव और हैड फिल करना है. जैसे वी है तो वी में हैज़ नहीं आ सकता है. अगर दे है, शी हैज़, अगर शी हैज़ है, ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ही और शी, तो यू कैन राइट हैज़ ओवर दैट. डू यू हैव? वी हैव. रोशन हैज़. जैसे आप कोई इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम इंडिविजुअल पर्सन, देन इट इज़ कॉल्ड, देन देयर यू कैन यूज़ हैज़. ठीक है. डू यू हैव अ पेन? दे हैव लॉट्स ऑफ गेम्स. रजनी हैज़ अ न्यू फ्रेंड. ठीक है. वी हैव 3 डॉग्स एज पेट्स. ओके. ठीक है. सो यू हैव टू यूज हैज़, हैव और हैड ओवर हियर इन दिस ब्लैंक्स. ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 4 में क्या है बच्चों? आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं बच्चे, बच्चों? किड्स, व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स? जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या वर्ब यूज़ करना पड़ता है सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसके साथ उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट या वर्ड यूज़ हुआ है उसको सर्कल करना है. जैसे देखो, माई कैट क्लाइम्स ट्रीज एंड स्क्रैचेस फर्नीचर. ठीक है. तो माय कैट क्लाइम्स, क्लाइम्स हमारा एक्शन हुआ तो वो वर्ब हुआ हमारा, तो क्लाइम को हम अंडरलाइन कर रहे हैं. तो उसके उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने ट्रीज़ वर्ड यूज़ किया है. तो ट्रीज़ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को हम सर्कल करेंगे. जैसे बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट्स. बर्ड्स ले कर रहे हैं, पर क्या ले कर रहे हैं? एग्स. तो हमने एग्स वर्ड यूज़ किया है. तो ले इज़ अवर वर्ब और एग्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है. नाउ अंजलि टेस्टेड द सूप एंड लाइक्ड इट. तो क्या किया अंजलि ने? टेस्ट किया. पर क्या टेस्ट किया? सूप को टेस्ट किया. तो टेस्ट इज़ अवर वर्ब, सूप हमारा ऑब्जेक्ट है. तो हम ऑब्जेक्ट को सर्कल करेंगे, टेस्ट को अंडरलाइन करेंगे. कारपेंटर्स मेक फर्नीचर
टेलर्स मेक क्लोथ्स, क्या है यहाँ पे बेटा, कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, कारपेंटर्स क्या करते हैं, कारपेंटर्स मेक, तो मेक हमारा वर्ब हुआ क्योंकि वो एक्शन डिस्क्राइब करता है, पर क्या बनाता है, तो हमने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया है यहाँ पे बच्चों, फर्नीचर, तो फर्नीचर को सर्कल करेंगे और वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 4 भी फिनिश करनी है बाय अंडरलाइनिंग दी वर्ब्स एंड एनसर्कलिंग दी ऑब्जेक्ट्स। ओके बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी जो ये है ना बेटा, यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स, ये वाला हमें ओमिट कर देना है। यू हैव टू क्रॉस दिस जी, देन दिस एक्सरसाइज 5, वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस इन द चैप्टर, यू जस्ट हैव टू ओमिट इट। ओके, पुट अ क्रॉस ओवर देयर नियर एक्सरसाइज 5, देन एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 6 यू हैव टू पुट अ क्रॉस, वी आर नॉट डूइंग दैट। नाउ इन एक्सरसाइज 7 किड्स, यू हैव टू चूज द राइट वर्ब एंड कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस। जैसे शुगर डैश स्वीट, शुगर हम फील कर सकते हैं? नहीं। शुगर हम स्मेल कर सकते हैं? नहीं। शुगर हम टेस्ट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, टेस्ट। इन द सेम वे शिप्स क्या कर सकती है, वॉक कर सकती है, फ्लाई कर सकती है? नहीं, शिप्स सेल कर सकती है। ठीक है, तो आपको तीनों में से जो परफेक्ट वर्ब है सेंटेंस के लिए उसको अंडरलाइन करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। इन द सेम वे यू हैव टू डू द एक्सरसाइज 7। यू अंडरस्टूड किड्स? ओके, पता चला ना आपको। जैसे देखो, ये है द चाइल्ड डैश प्लीज्ड, तो क्या आएगा, द चाइल्ड थिंक्स प्लीज्ड? नो, यू हैव टू थिंक, क्या आएगा, द चाइल्ड अपीयर्स प्लीज्ड, मतलब चाइल्ड बहुत प्लीज्ड दिख रहा है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 5 ओमिट कर रहे हैं, यू हैव टू पुट अ क्रॉस ओवर देयर, यू आर नॉट डूइंग इट। यू किड्स, यू आर डूइंग एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड 7। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में इस बार, पहले हमने पढ़े ट्रांजिटिव वर्ब्स, वो क्या होते हैं, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट या वर्ड चाहिए सेंटेंस को फिनिश करने के लिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें हमें कोई वर्ब या कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उसके सेंटेंस अपने आप मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बीइंग वर्ब्स, मतलब आई, वी, इट, मतलब एम, इज, वॉज, वेयर, ये सारे बीइंग वर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेइंग वर्ब्स, सेइंग वर्ब्स मतलब वी आर टेलिंग दैट व्हाट पीपल आर सेइंग, व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, व्हाट पीपल आर फीलिंग, हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा पजेशन, पजेसिव वर्ब्स, एज इन हैज, हैव और हैड। ठीक है, इतने काइंड्स ऑफ वर्ब्स हमने पढ़े। तो बच्चों, यू विल कंप्लीट दी एक्सरसाइज, यू विल ओमिट एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 6 एंड यू विल डू एक्सरसाइज 7। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेस, इन द मीटिंग वी विल डिस्कस द आंसर्स, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर बेटा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।